दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, वीडियो में हम लोग इनडेप्थ में एनालिसिस करेंगे यूएनएस वर्सेस एसआरओ के बीच जो होगा गाइस जमाइका टी10 का ना आज का दिन का दूसरा मैच। ये मैच स्टार्ट होगा 12 बजे इंडियन टाइम। 90 रन के आसपास एवरेज स्कोर फिलहाल इस ग्राउंड का। अब देखो, शुरू के मैचेस में ना रन बहुत कम रन बन रहे थे, बट अभी रिसेंटली लास्ट अगर आप 4 से 6 मैच उठा के देखते हो तो रन ज़्यादा बनाए। इसका रीज़न था कि पिच जो है ना वो चेंज हुए थे, तो आपको एवरेज स्कोर जो है वो टच होते हुए दिखेंगे। 90-110 के करीब रन है एवरेज स्कोर फिलहाल इस ग्राउंड का। 12 बजे मतलब दिन का सेकेंड मैच होने वाला है, तो इस मैच में क्या कुछ हो सकता है कुछ हद तक हम लोग फर्स्ट मैच से आइडिया कर सकते हैं। रेस्ट इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। गाइस, आप अगर वीडियो अच्छे से ध्यान से अंत तक देखोगे तो बेटर टीम बहुत इजीली खुद अपने से क्रिएट कर पाओगे। बट स्टिल मैं नेक्स्ट मैच के कवरेज अपडेट वगैरह शेयर करूंगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल। गाइस, आपको जुड़ना है टेलीग्राम, जिसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में। लिंक में आपको प्रेस करना है और रिडायरेक्ट होना है टेलीग्राम चैनल। फटाफट आते इस मैच के एनालिसिस पॉइंट में, लाइक करके स्टार्ट रखना। टूर्नामेंट में ना 12 मैचेस डन हो चुका था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। 3 बैट फर्स्ट 9 ओवर चेजिंग। आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखेगा कि जो चेजिंग वाला टीम है ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए हमें दिखे। मतलब आपको अगर एक्स्ट्रा बॉलर लेना है तो मैं प्रीफर करूँगा बॉलिंग फर्स्ट वाला टीम से रखो। अगर आपको एक्स्ट्रा बैट्समैन लेना है वो टॉप ऑर्डर का बैटर ही होना पड़ेगा, क्योंकि टी10 फॉर्मेट है। वो भी दोस्तों आप चेजिंग टीम से रख सकते हो, वहाँ पे आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलने के चांसेस है। अब तक तो ऐसा ही हो रहा है, चेजिंग टीम डोमिनेट है 9-3 से, जो बहुत ज़्यादा आ गया है। ठीक है, अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्टार्स, इन्होंने ना लास्ट मैच विन किया है। इनसे एस विल्सन ने ना थोड़े से हिट और मिस परफॉर्मेंस दिया है। 9 रन फ्लॉप हुआ, फिर 25 करके हिट हुआ, फिर 0 फ्लॉप, फिर हिट। तो अगर आप देखोगे ना जो रिदम बन रहा है वो है फ्लॉप हिट। मे बी इस बार ये फ्लॉप हो जाए, जो इनका रिदम चल रहा है वो ऐसे ही कुछ बता रहा है पैटर्न। दमानी सुवेल मुझे बहुत ही डिसेंट कैप्टन पिक लग रहे हैं, क्योंकि देखो ये आपको लास्ट मैच में ओपन करते हुए दिखे थे, ओपनिंग कर लेगा प्लस आपको 2 ओवर देगा, तो सेफेस्ट पिक बनेंगे इस मैच में एज कैप्टन वाइस कैप्टन दमानी सुवेल। 1 डाउन जेमी मॉर्गन, ये भी दोस्तों बैट एंड बॉल दोनों से पॉइंट्स देने में कैपेबल है। 21 का नॉक खेला प्लस 2 ओवर डाला, बहुत ही अच्छे चॉइस है दोस्तों सुवेल और दोस्तों मॉर्गन बोथ कंडीशन बेटर कैप्टन मुझे दिखते हैं। और दोस्तों सुवेल मुझे बोथ कंडीशन अच्छे कैप्टन लग रहे हैं, बट जो मॉर्गन है ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करूँगा अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ एज कैप्टन वाइस कैप्टन। शशन एंडरसन को मैं अपनी टीम में नहीं रखने वाला हूँ फिलहाल के लिए, ये भी थोड़ी सी हिट और मिस नेचर के प्लेयर है। 0 फ्लॉप हुआ, फिर हिट हुआ, फिर 7 मिस हुआ, फिर हिट हुआ, तो हिट और मिस मुझे दिख रहे हैं। जी रे मिल्टन माइल्स का जो बैटिंग ऑर्डर है ना ये सपोर्ट नहीं कर रहा है कि इनको मैं अपने टीम में रख लूँ। और रोमानियो फर्नांडिस ज़्यादा तो मैच खेले नहीं, उसके बाद जब खेला डू नॉट बैट। दोस्तों एमओई कैम्बेल ने ना 2/27 पे 2 विकेट निकाला, फिर 1 रन, फिर 6, फिर 15, 1/15 0 1.3, 15 ओवर में 1 विकेट था एमओई कैम्बेल का। देखो ये कभी कभी बॉलिंग करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। नंबर ऑफ बॉलर देख के हम लोग को ना थोड़ा सा आइडिया कभी कभार करना पड़ता है ये बॉलर क्या बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे। कंसिस्टेंट बॉलर नहीं है तो ड्रीम इलेवन जैसे फॉर्मेट में मस्ट पिक नहीं होगा, बट ये बिकॉज बैटिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे तो अदर्स फॉर्मेट में ओल्ड फॉर्मेट फैंटेसी में आप इनको ट्राई करना है तो कर सकते हो। रॉक जॉन हेनरी अगर देखोगे 2/24 0 2/16 0 2/8 1 2/21 2/8 एंड 2/21 2 बार विकेट था और बाकी 2 बार विकेटलेस, बट स्टिल ओवर कंप्लीट करा रहा है। अच्छा डिफेंशियल पीक है एज बॉलर, जरूर ट्राई कर सकते हो, बट मेरा प्रेफरेंस रहेगा अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो ट्राई करना दोस्तों, और अदरवाइज बॉलिंग अगर सेकेंड होता है तो जस्ट एज प्लेयर रखो ना रखो ज़्यादा मायने नहीं देता है, बट बॉल फर्स्ट अगर हुआ तो दोस्तों मेरे हिसाब से टीम में रखना पड़ेगा, अच्छा डिफेंशियल पिक बन सकते हैं। जावेद विलियम्स कुछ खास किया नहीं है। शेल्डन प्राइस मुझे बहुत ही डिसेंट और कंसिस्टेंट विकेट टेकर दिखे, ऑलमोस्ट हर मैच में 1 विकेट इस बंदे को मिल ही जाता है। यहाँ पे कुछ और प्लेयर मिलेंगे जिनको इग्नोर कर सकते हैं। ओपनिंग बॉलिंग कराएगा कैम्बेल मॉर्गन और स्वेल, डेथ में कराएगा कैम्बेल शेल्डन प्राइस और रॉकजॉन हेनरी। दोस्तों रॉकजॉन हेनरी अच्छा डिफेंशियल पीक है, कैम्बेल अगर नंबर ऑफ बॉलर कैलकुलेट करके ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसने आउट ऑफ 4 मैच 3 बार बॉलिंग कराया, और शेल्डन प्राइस एक कंसिस्टेंट प्लेयर रहेंगे इस टीम से। ये सीरीज से पहले के रिकॉर्ड्स हैं, रिव्यू कर सकते हो। कोई भी प्लेयर यहाँ पे ऐड होता है ना न्यू, तो सबसे पहले मैं मानता हूँ यहाँ पे रिकॉर्ड रिव्यू करना इंपॉर्टेंट होता है। शशन एंडरसन मुझे कुछ खास रिकॉर्ड लगे नहीं, लास्ट ईयर 5 मैच में केवल 38 रन था। जी रे डोमेस्टिक में अच्छा खेल के आ रहा है बट अभी ओपन कर नहीं रहा है। एस विल्सन एकदम से फ्लॉप प्लेयर थे लास्ट ईयर, बट करेंटली एज ओपनर प्ले कर रहा है, और अनडाउटेडली लास्ट ईयर ये एज ओपनर प्ले बहुत कम मैच में किया था। संजय वाकर अगर खेलता है तो बैट बॉल दोनों से पॉइंट देने में कैपेबल हो सकते हैं। अमोय कैम्बेल ने कभी अभी बॉलिंग करा रहे, बट लास्ट सीजन इसने बॉलिंग ज़्यादा नहीं कराया था। एंथोनी मैकलिन डेमानी सुवेल दोस्तों लास्ट सीजन 11 मैच में 16 ओवर में 5 विकेट 76 रन, अच्छे ऑलराउंडर परफॉर्मेंस थे इनका,
यहाँ पे कुछ और प्लेयर्स भी मिल जाएंगे लाइक जमाइन मॉर्गन, लास्ट सीजन 8 मैच पे केवल 4 ओवर बट 18 रन था, कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं। बट करेंट सीजन में दोस्तों बैट बॉल दोनों से पॉइंट्स अच्छे खासे दे रहे। शेल्डन प्राइस डोमेस्टिक में खेला है 3 मैच, जमैका T20 में 7 ओवर में 6 विकेट निकाला है। सारे रॉयल्स देखोगे अपना सारा मैच विन किया एक्सेप्ट इनके लास्ट मैच जहाँ पे इन्होंने हार के रखा है। ये टीम मुझे अच्छा स्ट्रांग दिख रहा है दोस्तों, मेरे हिसाब से टीम में लेके चलोगे आप लेरॉय लुक को, जो आपको अच्छा बैटिंग करते हुए दिखेंगे और ओपोनेंट का पावर प्ले के बॉलर विकेट ले जा सकते हैं बिकॉज लुक ने अच्छा खासा बॉलिंग कराया है। ओपोनेंट से पावर प्ले में बॉलिंग कौन डाल रहा है दोस्तों? कैम्बेल मॉर्गन सुवेल। तो दोस्तों कैम्बेल मोस्ट प्रोबेबली अगर पहला ओवर फिर से डालता है तो बहुत ज़्यादा रन पिटाई खा सकता है। मॉर्गन एंड सुवेल ओपोनेंट का प्राइम बॉलर बॉलिंग करेंगे उसके बाद। पर लेरॉय लुक कंसिस्टेंट परफॉर्मर, बट इनके साथ जो प्लेयर है वो तो कंसिस्टेंट नहीं है ना। रुशियन गॉर्डन 2 रन बनाया, डू नॉट बैट, डू नॉट बैट, डू नॉट बैट। कार्लोस ब्राउन दोस्तों लास्ट मैच में 1 डाउन खेल गया था, उससे पहले तक ओपन कर रहे थे, ऐसा हो सकता है इस मैच में ये बंदा फिर से ओपन आ जाए। बट ये भी थोड़े से हिट और मिस है, 0 मिस हुआ, फिर हिट हुआ 38 बना के, फिर 8 दोस्तों इन्होंने मिस किया, फिर इन्होंने 17 में हिट हुआ। ग्लेन ने लास्ट मैच में 0 किया था, बैट फर्स्ट हुआ है तो ट्राई करो, मैं मानता हूँ अगर बैट सेकंड होता है तो ड्रॉप रोटेट करने का रिस्क ले सकते हो। पीट सेलमन मुझे अच्छे चॉइस लग रहे हैं एस के एफबीसी, बैटिंग से भी अभी पॉइंट्स देने लगे हैं, बॉलिंग से तो हमेशा ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, तो दोस्तों एक मस्ट पिक और बढ़िया कैप्टन वाइस कैप्टन मुझे दिख रहे हैं फिलहाल। चेवन सैमसन ने बैटिंग जो करना है ना, इनका बैटिंग बहुत नीचे है दोस्तों, कंसिस्टेंटली इस ऑर्डर में इनको बड़ा रन बनाना मुश्किल हो सकता है, बट लास्ट मैच में इन्होंने दोस्तों बहुत अच्छा बैटिंग किया था। ओडेन स्मिथ वेरी सरप्राइजिंगली लास्ट मैच में बैटिंग ही नहीं आया, सबको लगा था बैटिंग अच्छा करेगा, मुझे भी लगा था इनफैक्ट, बट इसने सिर्फ बॉलिंग कराया था, बैटिंग आया ही नहीं आगे। करी कैम्बेल मुझे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिख रहे हैं, 2 ओवर डालते हैं दोस्तों, समहाउ बॉलिंग से पॉइंट्स इनको मिल ही जाता है और 2 बार टूर्नामेंट में ऑलरेडी 3 फॉर निकाल लिया है अब तक। अभी ये मान सिंह 1 विकेट कंसिस्टेंटली लेते हैं, ओपोनेंट टीम का प्लेयर भी हिट और मिस है, ये भी बात हमें समझना पड़ेगा। निकोलस गॉर्डन दोस्तों कंसिस्टेंटली 1 ही विकेट निकालता है, बट हाँ ये बात सही है कि विकेट निकालता है, आपके लिए एक विकेट टेकर चाहिए तो दोस्तों गॉर्डन के साथ स्टिक कर सकते हो, और हाँ ये कैचेस भी लेते हैं। ओपनिंग बॉलिंग निक गॉर्डन, पीट सेलमन और दोस्तों ओडेन स्मिथ, डेथ में ओडेन स्मिथ, पीट सेलमन और निक गॉर्डन करते हुए दिखेंगे। इस सीरीज से पहले के रिकॉर्ड, कर्ल रेट इनका जो विकेट कीपर है कुछ काम का नहीं है, एंड बॉनर मुझे बहुत ही कंसिस्टेंट अच्छे परफॉर्मर दिखे, बट अगर खेलता है तो इंपॉर्टेंट होगा, ये फर्स्ट क्लास खेलते हैं वेस्ट इंडीज के लिए, जरूर ट्राई कर सकते हो। लास्ट सीजन 10 मैच में 22 का एवरेज 155 रन था। लेरॉय लुक का लास्ट मैच में लास्ट ईयर 11 मैच 24 का एवरेज से दोस्तों 237 रन, वन ऑफ द फाइन परफॉर्मर थे। लास्ट सीजन का मैं बात कर रहा हूँ, रिसेंट T20s में 19, 43, 48, 29, 4 था। कुछ और भी प्लेयर्स यहाँ पे मिलेंगे, जे ग्लेन जिन्होंने लास्ट ईयर 11 मैच में 163 रन, बॉलिंग कुछ ज़्यादा किया नहीं था, करेंटली पहले ही मैच में बॉलिंग किया था बट उसके बाद बॉलिंग कर नहीं रहा है। पीट सेलमन 1 विकेट टेकर 11 मैच में, लास्ट सीजन में 10 विकेट था। यहाँ पे कुछ और प्लेयर्स भी मिलेंगे, ओडेन स्मिथ मस्ट पिक बनता है, निकोलस गॉर्डन का लास्ट ईयर देखो 11 मैच में 18 विकेट, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर विद बॉल थे, करेंटली उतना खास खेला नहीं है। खरी कैम्बेल कंसिस्टेंट परफॉर्मर, 6 मैच में 9 विकेट था लास्ट सीजन, मस्ट पिक होना चाहिए आपके लिए। ए मन सिंह डोमेस्टिक T20 ज़्यादा खास था नहीं, जमैका T20, बट ये फर्स्ट क्लास खेल के आ रहा है, जमैका के लिए डेफिनेटली क्वालिटी प्लेयर होंगे। दोस्तों चलते हैं हम लोग सीधा हमारे ड्रीम 11 टीम में, उससे पहले वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों चैनल में अगर न्यू हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो चैनल में, चैनल को फटाफट से कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, कुछ भी क्वेरीज है तो पूछ सकते हो कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। चलते हैं दोस्तों सीधा ड्रीम 11 टीम में। गाइस फिलहाल ये रहेगा मेरा ड्रीम 11 का टीम, जहाँ पे मैंने दोस्तों कैप्टन बना के रखा पीट सेलमन को, मैंने दोस्तों वाइस कैप्टन डी सुवेल को बनाया, लेरॉय लुक को मैंने बनाया, हमने ए मानसिंह है हमारे पास, शेल्डन प्राइस है हमारे पास, ओडेन स्मिथ, निकोलस गॉर्डन, जे मॉर्गन, के कैम्बेल, फिलहाल गाइस एस विल्सन को मैंने लिया, ये मुझे लेने का बहुत ज़्यादा मन नहीं है, ना ही इनको लेने का मन है, बट अगर देखोगे लास्ट मैच इसने अच्छा खेला था, ये ओपन करेगा, सेफर चॉइस है। बट अगर आप वीकी सेक्शन में देखते हो तो दोस्तों एस एंडरसन, जो शशि एंडरसन है, इनसे बेटर चॉइस मिलेगा नहीं, कर्ल रीड का परफॉर्मेंस और ज़्यादा गंदा रहा है, तो ये दो कुछ जो हालात के मारे हुए पीक है, बट मैं डेफिनेटली रोटेट करना पसंद करूँगा, कुछ भी रिस्क मैं लूँगा या फिर मैं अगर पर्सनली खेला तो शेयर करूँगा आपके साथ डेमो टीम टेलीग्राम पे। दोस्तों आपको जुड़ना है टेलीग्राम, कमेंट करके बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, एंड नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर या फिर कौन से सीरीज़ में कवर करूँ। हंगरी टिटन स्टार्ट होगा मंडे से, जो मैं कवर करूँगा, बट प्लीज़ यार आपका जो सपोर्ट है, आपका जो लाइक एंड कॉमेंट्स है, वो दोस्तों करते रहना, इससे जो है ना मोटिवेशन हमें मिलता है, और जो भी अच्छे कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं, जो लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं ना, वो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करेगा। मेरा कोई दोस्तों पेड ग्रुप है नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूँ जो मैं
ऐप प्रोवाइड प्रोमोट करता हूँ आप लोग के पास, अगर आप उधर मेरे लिंक से मतलब फैंटेसी जूनियर फैमिली मेंबर्स के लिए जो स्पेशल लिंक है उससे डाउनलोड करके प्ले करोगे तो थोड़ा सा मुझे ब्लेसिंग मिलेगा, और दोस्तों अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, कमेंट लाइक शेयर करोगे तो दोस्तों मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। बाकी दोस्तों क्या पिच हो, मैच होगा नहीं होगा वो तो कुछ हद तक जो टीम कम्बिनेशन है या फिर पर्टिकुलर उस दिन लक क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बट हम लोग 100% देते हैं अपना ताकि आप विन कर पाओ और दोस्तों हमारा जो फैमिली है वो जल्दी से जल्दी एक बड़ा फैंटेसी जूनियर फैमिली बन पाए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे। थैंक यू।